अब ये देखिए इसकी हीट सिंक नहीं है, ठीक है। इसको हीट सिंक को हम लोग ने बनाया है, एक मोबाइल की ये पत्री है, ठीक है, ये हीट सिंक वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो हम लोगों ने इसको काट लिया है, ठीक है। ये पूरी इतनी पत्री थी मोबाइल की, ठीक है, आईसी वगैरह को हीटअप से रोकने के लिए ये बनाई हुई है, ठीक है। ये हम लोगों ने काट लिया और इसके बाद जो है ना, ये देखें ये शीट होती है, ठीक है। ये आमतौर पे आपको किसी भी ये क्या हम बोलेंगे इसका, जो ना आपको नॉर्मल किसी भी सिस्टम से भी मिल सकती है, लैपटॉप से, चार्जरों में ये होती है, ठीक है। ये ओवर हीटिंग को जो ना रोकने के लिए होती है, ये भी हीट सिंक के तौर पे काम करती है। तो हम अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ हम इसके चिप के ऊपर ना पहले हम लोग टेप लगाएंगे, जो येलो टेप इसके लिए हीट सिंक के आती है रोकने के लिए, वो भी एब्जॉर्ब करती है। जैसे अभी ये येलो, ये देखें ये यहाँ पे ये लगाई हुई है, ये टेप यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, ये येलो टेप। एक मिनट मैं आपको ज़रा थोड़ा सा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ टेप जो है ना। तो हम अभी जो है ना इसको साथ में लगा देंगे, ये जो है ना ओवर हीट हो रही है, ओवर हीट हो के ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी इसकी हीटिंग हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से ये देखिए ये चिप के ऊपर पूरी है, ठीक है। इधर से हमने जो है ना इसको काट देंगे, आप किसी भी चीज़ से काट सकते हो, कैंची की मदद से काट सकते हो आप, कटर की मदद से काट सकते हो, ब्लेड की मदद से काट सकते हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है अभी पड़ी हुई है आपके पास, तो आप उसकी मदद से इसको काट सकते हो, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास ये ब्लेड पड़ा हुआ है, ठीक है, हम इसको जो है ना ऐसे सीधा बिल्कुल काटेंगे। ये देखिए ऐसे ज़ोर से जब आप इसके ऊपर लाइन लगाओगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये बहुत नाजुक जो है ना, जैसे आपका पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक टाइप ये शीट होती है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और यहाँ से काटेंगे, ठीक है, ये कट गया, ठीक है। ये देखें ये इतनी नाजुक ये शीट होती है, इसको हम ऐसे काट लेंगे, ओके। ये हमारी अभी हीट सिंक का काम करेगा, तो इसको हम अभी कैसे यूज़ करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको भी हम लोग जो है ना ये कील लेके तो इसमें सुराख करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हम लोगों ने निशान लगा दिए दो, ठीक है। ये देखिए एक ये लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो है ना ये, ठीक है, ये दो डॉट हैं हमारे पास। तो अभी हम इसको जो है ना ऐसे इसके अंदर सुराख करेंगे। ये आपके पास प्लास वगैरह हथौड़ी कोई भी चीज़ होगी तो उसकी मदद से जो है ना हम यहाँ पे, क्योंकि बहुत बारीक पतली शीट है तो हल्का से भी आप इसको किसी भी चीज़ से भी, किसी चीज़ की मदद से भी आप इसको थोड़ा सा प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें सुराख हो जाएगा। കുറച്ചുകൂടെ പണിയുണ്ട്, അതാണ് ടിക്കറ്റ് പറയുന്നത്, നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആ ഉണ്ട്.
ये देखिए ये टेप है, ठीक है, ये टेप जो है ना हम लोग अभी लगाएंगे। ये टेप हम लोग लगाएंगे चिप के ऊपर, ओके। ये देखिए जो बोर्ड के ऊपर है उसका बहुत आपने एहतियात के साथ इसको काटना है, ठीक है। ये देखिए लगा के पहले टेप को यहाँ पे लगाएंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखेंगे टेप को, इसके ऊपर फिक्स करेंगे, ओके। और इसको ऐसे चिप के साथ साथ जो है ना इसको ऐसे हल्का सा हम लोग इसको काट देंगे, ओके। और इसको ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। अगेन ऐसे ही करेंगे, ऐसे पकड़ के ठीक है। अभी इस चिप पे भी हम हल्का सा चारों साइड से ऐसे हल्का हल्का इसको
पूरा खोलना चाहिए जी, हाथ में लगाने के लिए पूरा खोलना चाहिए, टाइम नहीं है दीदी। अब देखो ना, वन बाई वन काम चल रहा है, क्या करें, कितना देगा पूरा खोले। हो जाएगा ठीक है। तो போகுது, அது கொண்டு கொடுக்காத ஒன்று அது. அறிவர் மீன்